तो यारो कैसे हो दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद लेकिन फाइनली हम आ चुके हैं और आप लोग के लिए एक नया सेशन वीडियो लेके आ चुके हैं, जहां पे अनटोल्ड फैक्ट तारक मेहता से जुड़े हुए आपके साथ शेयर करेंगे, उन एक्टर से जो कंट्रोवर्सी के चलते शो से हो गए बाहर। इस शो में चोली दामन का नाता है कॉन्ट्रोवर्सी का, जितना बड़ा ये शो है उतना ही बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी है इस शो से जुड़ी हुई। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आप वीडियो को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आखिर क्यों ऐसा? कर लो ना अभी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की अनटोल्ड स्टोरी और अननोन फैक्ट्स आपके लिए खंगाल के लेके आते रहें। और आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दो नीचे, मैं ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा। दोस्तों, भले ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू तो 2008 से हुआ है, कहा जाता है कि हम इस शो को शुरू करने का हमारा मकसद था लोगों के चेहरे पर मुस्कान, लेकिन धीरे धीरे अब ये शो अपनी गोल्डन पीरियड को गोल्डन एरा को खोते जा रहा है, जिसका साफ नज़ारा दिख सकता है आपको फिलहाल प्रेजेंट के एपिसोड में। वैसे हम इस टॉपिक पे किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं उन एक्टर्स को, उन कंट्रोवर्सी की, जिसके चलते बड़े बड़े एक्टर्स ने शो को छोड़ दिया। कंट्रोवर्सी नंबर वन, नेहा मेहता, जो कि अंजलि भाभी का कैरेक्टर निभाती हैं। इनकी सबसे पहली कॉन्ट्रोवर्सी सामने निकल के तब आई थी जब इन्होंने ये बातें कह दी थी कि शो से निकलने के बाद मेकर्स मुझे 6 महीने का पेमेंट लगातार लटका के रखे और ये पेमेंट नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये बातें निकल के आ रही थी कि अंजलि मेहता ने शो को छोड़ा है, असित कुमार मोदी के कुछ बॉन्डिंग इशू थे जिसके चलते अंजलि मेहता ने इस शो को छोड़ दिया, लेकिन ये कंट्रोवर्सी आज तक कभी किसी के सामने नहीं आई। दरअसल मैं आपको ये बता दूं, कुछ पर्सनली प्रॉब्लम था प्रोडक्शन हाउस से लेके अंजलि मेहता का, क्योंकि अंजलि AKA नेहा मेहता जी ने इतने सालों इस शो के साथ काम किया था, वो खुद भी एक गुजराती हैं, इसके साथ साथ असित कुमार मोदी खुद एक गुजराती है, यहाँ पर बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। 70% क्रू मेंबर आपको, क्रू स्टार्स एक्टर्स और सारी पूरी कास्ट आपको यूनिट तारक मेहता के उल्टा चश्मा में गुजराती ही दिखेगी। इसी के चलते बहुत लंबे समय तक लोग एक दूसरे से जुड़ गए, लोग जो है ज़्यादातर सेट पे भी गुजराती बोलना ही प्रेफर भी करते हैं। ऐसे में दोस्तों अंजलि मेहता का शो से जाना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, लेकिन बाद में असित कुमार मोदी ने इस कॉन्ट्रोवर्सी को ढकते हुए नई अंजलि मेहता को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गए इनके हस्बैंड के साथ, जो कि शैलेश लोढ़ा AKA तारक मेहता। तारक मेहता का कैरेक्टर इनसे बेटर और कोई भी नहीं निभा सकता है, ये मैं आप ही नहीं सारे के सारे फैंस जानते हैं, इस शो को देखने वाले करोड़ों फैंस मानते हैं। जिस उपाधि पे तारक मेहता ने इस शो को बिठा दिया है, जिस तरीके से वो नरेशन करते थे, वो नरेशन शायद ही कोई और एक्टर उनको रिप्लेस कर पाए, लेकिन तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जिस तरीके से असित कुमार मोदी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट इशू के चलते अपने रिलेशन खराब किए शैलेश लोढ़ा से, वहीं पे शो का डाउनफॉल और भी तेजी से स्टार्ट हो गया। क्योंकि आज के डेट में कई सारे ऐसे फैंस भी हैं जो इस शो को अब पसंद नहीं करते हैं, जो इस शो के बजाय दूसरे किसी रियलिटी शो, दूसरे किसी शो या फिर मूवी को देखना प्रेफर करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा इसीलिए भी फेमस है क्योंकि वो लोगों को खाने के टाइम पे, डिनर के टाइम पे एकत्रित करता है और लोगों का मनोरंजन करता था। लेकिन अब जिस तरीके से कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है, आपको पता ही होगा ये ज़माना इंटरनेट का है, YouTube जैसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबको बोलने की आज़ादी, बहुत सारे लोग एक्सपोज भी हो जाते हैं। ऐसे में असित कुमार मोदी का भी यही सिलसिला, अब घमंड जो है वो चकनाचूर हो गया जब शैलेश लोढ़ा साहब ने इस शो को छोड़ दिया। उन्होंने बहुत सारी मिन्नतें की असित कुमार मोदी ने शो में, शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया कि किसी तरीके से बस एक बार शैलेश लोढ़ा साहब को इस शो में वापसी कराई जाए। दरअसल ये जो कॉन्ट्रोवर्सी थी वो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी शिमारू के नए शो के साथ थी, जो कि वाह भाई वाह नाम का था। जैसा कि आपको पता ही होगा, शैलेश लोढ़ा साहब बहुत ही पहले से ही फैन रहे हैं और एक बड़े कवि रहे हैं, ऐसे में ऐसा कोई भी शो ये मिस नहीं करना चाहते हैं। जब भी कोई कवि सम्मेलन हो, कविताओं का दौर हो, तो वो इसका ज़रूर हिस्सा बनना चाहते हैं। असित कुमार मोदी के सामने जब ये पेशकश किया गया शैलेश लोढ़ा साहब की तरफ से, असित कुमार मोदी ने सिरे से नकार दिया कि अगर आप किसी और चैनल पर जाते हो तो आपको ये शो छोड़ना होगा। बस फिर क्या था, रातों रात शैलेश लोढ़ा साहब ने शो को छोड़ दिया, अपने कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इस साल ही कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और उसी के साथ आज के दौर में आप देख सकते हो कई सारे ऐसे कॉन्ट्रोवर्शल ट्वीट, कॉन्ट्रोवर्शल पोस्ट असित कुमार मोदी की तरफ किए जाते हैं शैलेश लोढ़ा की तरफ से। शैलेश लोढ़ा ने हाल फिलहाल में ये भी कहा, जो भी इस शो से गया वो वापस लौट के ना आया, इस तरीके से व्यवहार निभाया है शो के मेकर्स ने। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि असित कुमार मोदी आज की डेट में किस तरीके से अपनी कुल्हाड़ी से अपने पैरों को काटते जा रहे हैं। जिस तरीके से उनका शो लगातार एक्टर्स की कॉन्ट्रोवर्सी के चलते लाइमलाइट में आ रहा है, इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है फैंस पे। जो फैंस उन एक्टर्स को कई सालों से देख रहे हैं, हम जैसे फैंस जो शो को देख के बड़े हो रहे हैं, जहाँ पे शो में मैच्योरिटी नहीं, शो के मेकर्स में घमंड दिखाई दे रहा है एक्टर्स के प्रति। अब इसके वेरियस रीजन हो सकते हैं, शो में लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप चाहेंगे तो हम एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लेके आ सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्ट्रोवर्शियल फेस की बात करें तो ये सबसे बड़ा नाम है दिशा वकानी जी का। दया भाभी 2017 में यूं गायब हो गई जैसे कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा से दुबई से आए हुए शेख। जिस तरीके से दुबई से आए हुए शेख आज तक वापस नहीं आए, वैसे ही दया भाभी उर्फ AKA दिशा वकानी को अपने शो में नहीं देखा। बताया जाता है कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा को यूं ही इस एक्टर ने नहीं छोड़ दिया, क्योंकि इन एक्टर्स को सबसे ज्यादा फीस दी जाती थी, इवन दिलीप जोशी से भी ज्यादा। वैसे दिशा वकानी का कैरेक्टर था ही ऐसा चुलबुला और ऐसे हंसा के लोटपोट कर देने वाला कैरेक्टर, शायद ही कोई और एक्ट्रेस निभा पाती। तो ऐसे में जब तारक मेहता के उल्टा चश्मा के मेकर्स के सामने दिशा वकानी जी ने फीस की हाई डिमांड रखी, तब असित कुमार मोदी ने उसको सिरे से नकार दिया। ये मेन रीजन बना था इस शो में, और इस शो के कलाकारों से असित कुमार मोदी का एक बढ़ता रिलेशन। इसके बाद दिशा वकानी जी ने शो में वापस मुड़ के नहीं देखा और उन्होंने शो को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। वैसे आज भी मेकर्स ये चाह रहे हैं कि उनको डबल फी में जो 2017 में डिमांड किया गया था उससे ज्यादा फी में दिशा वकानी जी को लाया जाए, लेकिन कुछ आज भी कॉन्ट्रैक्ट इशू हैं जिसके चलते दिशा वकानी आज भी शो में आने को मना कर रही हैं। वैसे मेकर्स आज भी इनकी दूसरी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी दिशा वकानी के रूप में इनको नहीं मिली है। इसके अलावा अब नेक्स्ट कॉन्ट्रोवर्शियल फेस की बात करें तो वो है राज अनाटकट। ये वो हैं जो कि टप्पू का कैरेक्टर निभाते हैं, दया भाभी और जेठालाल का सुपुत्र। अब बड़ा हो चुका है तो इनके साथ बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी खड़ी हो चुकी है। भव्य गांधी ने जब से इस शो को छोड़ा, राज अनाटकट ने खूब अच्छे से रिप्लेस किया था भव्य गांधी को, लेकिन ये कॉन्ट्रोवर्सी तब खड़ी हो गई जब शो के ही एक्टर, शो के ही बच्चे मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी के साथ रिलेशन में आ गए। अब ऐसी खबरें जिस तरीके से वायरल हुई, जिसके बाद मेकर्स की थू थू हो गई, क्योंकि राज अनाटकट कहा जाता है कि लव राज अनाटकट जो कि टप्पू है, वो कहीं ना कहीं बबीता जी के प्रति इतना आकर्षित हो गए थे कि उनके प्यार में पागल हो रहे थे। ऐसे में ये कॉन्ट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई कि बड़े बड़े नेशनल मीडिया हाउसेस ने इस खबर को छाप दिया, जिसके बाद तारक मेहता की इमेज पर डायरेक्ट ठोस पहुंचा और मेकर्स ने उनको राज अनाटकट को सीधा रिप्लेस करना ही सही समझा, जिसके चलते आज भी आप राज अनाटकट को उर्फ आप छोटे टप्पू को नहीं देख पाओगे, कई लंबे समय से ये शो से गायब चल रहे हैं। लिस्ट नाम आता है गुरुचरण सिंह, हरदीप सिंह सोडी उर्फ रोशन सिंह सोडी। ये तो नाम आप लोगों ने सभी सुना होगा, वो रोशन सिंह सोडी जो बल्ले बल्ले और पापा जी कह के सभी को झप्पी पा लेता है, अपने हाथों से सभी को उठा लेता है, लेकिन आज का वो सोडी अब कहीं ना कहीं मेकर्स के चंगुल में फंस के रह गया। ये कॉन्ट्रोवर्सी भी बहुत ही पुरानी है। तारक मेहता के उल्टा चश्मा में आपने देखा होगा रोशन सिंह सोडी कई दफ़ा आए हैं, गए हैं, कई दफ़ा आपने नए पुराने चेहरे को, यानी कि रोशन सिंह सोडी को छोड़ के आपने कई सारे वेरियस एक्टर्स को देखा है रोशन सिंह सोडी के कैरेक्टर को निभाते हुए। वैसे मैं आपको ये बता दूँ, ये जो सोडी हैं वो कई बार कैनेडा, लंडन और US की विजिट करते रहते थे, जिसके चलते वो अपने कैरेक्टर से इस शो से बाहर हो जाते थे और मेकर्स को लगातार नए नए एक्टर्स को लेके आना पड़ता था। लेकिन जिस तरीके से गुरुचरण सिंह सोडी ने इस कैरेक्टर को निभाया, वो हमेशा ही याद रहेंगे। लेकिन इस लेजेंड को भी छोड़ने की स्टोरी बहुत पुरानी है, इस लेजेंड ने भी यूं ही शो को नहीं छोड़ दिया। लेकिन गुरुचरण सिंह सोडी की बात माने तो ये शो है इसके दो अलग अलग तरीके से चलने वाले शिफ्ट। रोशन सिंह सोडी इस शो के शिफ्ट से बहुत परेशान थे, डे और नाइट दोनों ही शिफ्ट में शूट करना उनको थोड़ा हाइजेनिक लग रहा था,
उनको थोड़ा हाइपरथेटिक लग रहा था, जिसके चलते वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि लगातार डे और नाइट दोनों टाइम पे शूट ना हो, लेकिन मेकर्स तो मेकर्स हैं, अगर शो को नंबर वन बनाना है, शो को बड़े लाइमलाइट में लाना है तो मेकर्स सब कुछ करने को तैयार होते हैं। दूसरी तरफ कुछ कॉन्ट्रैक्ट इशू भी चल रहे थे रोशन सिंह सोडी का, जो कि नीला टेलीफिल्म उर्फ आसित कुमार मोदी के साथ चल रहा था, इसी के लिए उन्होंने भी इस शो को छोड़ा। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि गुरुचरण सिंह सोडी को शो छोड़ने के पीछे का ये रीज़न नहीं था, वो एक ही तरीके से कैरेक्टर निभा के बिल्कुल बोर हो गए थे और अब वो फिलहाल वेब सीरीज़ में ट्राई कर रहे हैं। फिलहाल तो वो US में हैं और अपने वैकेशन इन्जॉय कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी आपको एक नए प्रोजेक्ट में भी नज़र आएंगे। यही मेन रीज़न था रोशन सिंह सोडी को इस शो को छोड़ने का। वैसे ये है दोस्तों कहानी पर्दे के पीछे की तारक मेहता के उल्टा चश्मा के कुछ कंट्रोवर्शियल स्टोरी की, और ये अनटोल्ड स्टोरी आई होप कि आप लोग को खूब रास आया होगा और आप लोगों ने इस स्टोरी को सुन के खूब इंजॉय। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो कि हम इस तरीके की वीडियोस आप लोग के लिए लेके आते रहें कब तक पे, बहुत सारी आपको अनटोल्ड स्टोरी, दुनिया भर की आपको अननोन फैक्ट्स आपके साथ साझा करेंगे इसी चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।